રાજસ્થાનની અંદર 10 એવી બેઠકો છે કે જેની પર બધાની નજર છે, એની ઉપર દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। नमस्कार दर्शक मित्रों, जीनी घणा समय थी राह जोवाती हती ए राजस्थान विधानसभा नी चूंटणी नू आजे मतदान शुरू थई गयु छे अने सवारे 7 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी मतदान थवानू छे। आम राजस्थान विधानसभा मां 200 बैठको छे, परंतु कांग्रेस ना एक उम्मीदवार नू अवसान थवाने कारणे 199 बैठको पर मतदान थवानू छे। अने मतदारोनो उत्साह पण जोवा मळ्यो छे, सवारे 11 वागा सुधीमां 24% जेटलू मतदान थयुं छे। परंतु अमे तमारी साथे ए वात करीशुं के राजस्थाननी अंदर 10 एवी बैठको छे के जेनी पर बधानी नजर छे, एनी उपर दिग्गज नेताओ चूंटणी लड़ी रह्या छे अने एमनुं भावि आजे मतपेटीमां सील थवानुं छे, एटले एना विशे वात करीशुं। मारुं नाम राजेश शाह छे अने तमे जोई रह्या छो खबर छे .com। सौथी पहला वात करिए के अत्यारे जे राजस्थान में कांग्रेसना मुख्यमंत्री छे अशोक गहलोत राजस्थान में सरदारपुरा सीट उपर थी चूंटनी लड़ी रहा छे। अने ज्यारे 1998 में कांग्रेस सत्ता में आवी त्यारे आ सरदारपुरा बैठक उपर पेटा चूंटनी करवामां आवी हती अने ए पेटा चूंटनी में अशोक गहलोत चूंटनी जीती गया था। अने त्यारथी अत्यार सुधी दरेक चूंटणी अशोक गहलोत जीत्या छे अने आ वखते पण एमणे सरदारपुरा परथी चूंटणी लड़ी छे। एमनी सामे भाजपना महेन्द्रसिंह राठौर साथे एमनो मुकाबलो छे। बीजा राजस्थानना एक दिग्गज नेता छे वसुंधरा राजे, जे राजस्थानना पूर्व मुख्यमंत्री पण रही चूक्या छे अने राजस्थान में कदावर नेता तरीके जाणीता छे। वसुंधरा राजे जालरा पाटण पर थी चूंटणी लड़ी रहा छे। तेओ सतत 4 वखत आ बैठक पर थी चूंटणी लड़िया छे अने आ वखते एमनी सामे कांग्रेसना उम्मीदवार रामलाल चौहान छे। सचिन पायलट कांग्रेसना दिग्गज नेता छे अने राजस्थान में ज्यारे गहलोत सरकार में तेओ नायब मुख्यमंत्री तरीके पण रही चूक्या छे। सचिन पायलट टोंकथी चूंटणी लड़ी रह्या छे अने तेओ 2018 में पहली वार धारासभ्य बन्या हता। आ वखते तेमनो मुकाबलो भाजपना अजीत सिंह मेहता साथे छे। चौथा एक दिग्गज नेता छे राज्यवर्धन राठौर, भाजपना छे अने पूर्व केंद्रीय मंत्री रही चूक्या छे। एमने आ वखते भाजपे जोटवाड़ाथी टिकीट आपी छे अने एमनो मुकाबलो कांग्रेसना अभिषेक चौधरी साथे थवानो छे। बीजा एक दिग्गज नेता अने जेमनी आ वखते सौथी वधारे चर्चा थई हती एवा दिया कुमारी छे के जेओ विद्याधर नगरथी चूंटणी लड़ी रह्या छे। दिया कुमारी जयपुरना राजवी परिवार साथे संकळायेला छे अने तेओ 2013 सवाई माधोपुरना सांसद पण बन्या हता, परंतु भाजपे आ वखते एमने विधानसभामां टिकीट आपी छे अने एमनो मुकाबलो कांग्रेसना सीताराम अग्रवाल साथे थवानो छे। बीजा एक व्यक्ति छे के जेनू राजस्थानमां जबरदस्त चर्चा छे अने एनू जबरदस्त नाम छे, एवा छे बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ ने भाजपे तिवारा बैठक पर थी टिकीट आपी छे अने एमनी कांग्रेसना इमरान सामे टक्कर छे। बाबा बालकनाथ राजस्थान में बहु जाणीतु नाम छे। बीजा एक उम्मीदवार छे भाजपना रिद्धि कुमारी, जेने बीकानेर पूर्व पर थी भाजपे टिकीट आपी छे। रिद्धि कुमारी पण राजवी परिवार साथे संकळायेला छे अने એમનો મુકાબલો કોંગ્રેસના યશપાલ ગહેલોત સાથે થવાનો છે। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતા છે ડૉક્ટર રઘુ શર્મા। રઘુ શર્મા વિશે તમને ખ્યાલ હશે કે તેમને તાજેતરમાં ગુજરાતના પ્રભારી પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા। હવે ડૉક્ટર રઘુ શર્માનો મુકાબલો ભાજપના શત્રુઘ્ન ગૌતમ સાથે થવાનો છે। બીજા એક દિગ્ગજ નેતા છે કોંગ્રેસના શાંતિ ઘારીવાલ। એઓ સતત 5 વખતથી ધારાસભ્ય રહ્યા છે
અને એમનો મુકાબલો આ વખતે ભાજપના પ્રહલાદ ગુંજલ સાથે થવાનો છે. બીજા એક ઉમેદવાર કોંગ્રેસના છે દિવ્યા મદરેણા. એમને કોંગ્રેસે ઓશિયા પરથી ટિકિટ આપી છે. એમનો મુકાબલો બીજેપીના ભેરારામ ચૌધરી સાથે થવાનો છે. આમ તો ઘણા બધા દિગ્ગજ નેતાઓ સામસામે ટકરાવવાના છે, પરંતુ જે મહત્ત્વના હતા એના વિશે તમારી સાથે વાત કરી. હવે 3 ડિસેમ્બરે રાજસ્થાન વિધાનસભાની જે આજે મતદાન થયું છે એનું પરિણામ જાહેર થવાનું છે. આ વખતે ભાજપ તરફ માહોલ છે, પરંતુ ચૂંટણીના પરિણામો ક્રિકેટ જેવા હોય છે, એ કરી શકાતા નથી. ક્યારે મતદારોનો જો કઈ તરફ વધી જાય એ ખબર નહીં પડે. જ્યારે મતપેટીઓ ખુલશે ત્યારે જ ખબર પડશે કે રાજકારણમાં કોની સત્તા આવી છે. તો દર્શક મિત્રો, આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.